तेरा हो ये दिल से दुआ मेरे भाइयों सगे अत्तार को दे मौत खुदा कुएं यार मेरे। सैयदना अवाम बिन हौशब रहमतुल्लाह ताला ले जो कि तबे ताबई बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने सन 148 सन हिजरी में वफात पाई। फरमाते हैं, एक मर्तबा में किसी महल्ले से गुजरा, उसके किनारे पर कब्रिस्तान था। बाद असर एक कब्र शक हुई यानी फटी और उसमें से एक ऐसा आदमी निकला जिसका सर गधे जैसा और बाकी जिस्म इंसान का था। वो तीन बार गधे की तरह रेंका यानी चीखा, फिर कब्र में चला गया। कब्र बंद हो गई। एक बड़ी भी बैठी सूत कात रही थी। एक खातून ने मुझसे कहा, बड़ी भी को देख रहे हो? मैंने कहा, इसका क्या मामला है? कहा, ये कब्र वाले की माँ है, वो शराबी था, जब शाम को घर आता ये उसे नसीहत करती कि बेटे अल्लाह से डर, आखिर कब तक इस नापाक को पिएगा? ये जवाब देता, तू गधे की तरह ढेचू ढेचू करती है। उस शख्स का असर के बाद इंतकाल हुआ, जब से फौत हुआ है हर रोज बाद असर उसकी कब्र शक होती है और यूं तीन बार गधे की तरह चिल्लाकर फिर कब्र में समा जाता है और कब्र बंद हो जाती है। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज अगर माँ बाप हमें कोई काम कहते हैं, हम उनके कामों पर कान नहीं धरते। आज माँ बाप अगर हमें कुछ नसीहत करते हैं, हम उनकी नसीहत नहीं सुनते, बल्कि माज़ल्ला बात तो ऐसे नादान और बेअक्ल किस्म के नौजवान होते हैं जो माँ बाप को गालियाँ ही नहीं बल्कि माँ बाप को मारते हैं। बदकार को दे मौत खुदा कुए यार में, दिल को सुकून चमन में नाला दार में, सो जो दो खुदा उनके दियार में, करते रहो ये दिल से दुआ मेरे भाइयों सगे अत्तार को दे मौत खुदा कुए यार मेरे, बदकार को दे मौत खुदा कुए यार मेरे, दिल को सुकून चमन में नाला दार में। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।